गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ब्लॉग लेट ही शुरू कर रहा हूँ अभी तो इवनिंग में, मतलब आप तो जितने भी ब्लॉग शुरू होंगे वो 1 बजे बाद में 12 बजे बाद में शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह सुबह तो क्या है एक्चुअली मेरे को शॉप वगैरह खोलनी रहती है, बहुत सारे मतलब छोटे छोटे काम रहता है, वो शाम सब काम कम्प्लीट करने के बाद में जब लास्ट में मैं फ्री हो जाता हूँ तभी मैं ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। अभी तो मतलब कुछ दिनों से तो यही है। और भाई गर्मी की कल आप लोगों ने देखी होगी कैसी थी, आज भी सेम ही हालत है, बट यार आज तो उससे भी ज़्यादा मेरे को लग रही है, क्योंकि पता नहीं क्या यार बाहर बहुत तेज गर्मी है। और अभी मतलब मैं ब्लॉग में कैसे बताऊँ मेरे को समझ नहीं आ रहा। नहीं अभी कुछ दिनों से क्या है कि मतलब ऐसे लोगों के कॉल आ रहे हैं जिन लोगों की मेरे को कभी उम्मीद ही नहीं थी कि वो बंदा भी कॉल करेगा क्या, मतलब जो भूल चुके होते हैं ना, एक बार कभी कॉल नहीं करते या फिर कभी कभी कॉल कर लेते, तो ऐसे लोगों के कॉल आ रहे हैं। तो शाम को बताऊंगा किसका कॉल आया था, हन्नी के सीने का था हन्नी के ऐसे का, तो जो भी है देखते क्या रहता है। और अभी मैं ऋषभ को लेकर आया, ऋषभ अंदर है अभी, जस्ट आए हम, मैं उसको जस्ट लेके आया हूँ और मैंने इधर कैमरा ऑन करा और अंदर घुसा है, तो अभी उसको लेते हैं, थोड़ा सा उसको भी चिल डाउन हो रहे थे क्योंकि स्कूल में उसके क्या अभी मस्ती कर रहा था धूप के अंदर, सीधा धूप में से इसको मैं छुट्टी करा के इसकी बाहर से लेके आया हूँ, आज तो पूरी टाइम से छुट्टी करा के लेके आया हूँ, जल्दी भी मिलाया, तो अभी उसको थोड़ा सा रिलैक्स होने देते हैं कूलर के आगे। और फिर एक बार क्योंकि शाम को मेरे को शायद कमल को लेने जाना पड़ेगा कहीं काम से, गया हुआ है उसका थोड़ा सा काम था, उसको काम से गया हुआ तो उसको लेने चलेंगे, तब थोड़ा बहुत ऋषभ को लेके चलेंगे, साथ में थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग भी करके आएंगे मस्ती से, क्योंकि जाना बहुत अच्छी लोकेशन पे, बढ़िया लोकेशन है। और सैटरडे और संडे आ रहा है, तो भैया सैटरडे संडे जैसा कि मैंने वादा किया था कि राइड होने वाली है, तो सैटरडे संडे अब की बार कोई चले चाहे नहीं चले मुझे किसी का फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट अपन चलने वाले हैं राइड के ऊपर, क्योंकि मुझे राइड करनी है, क्योंकि मेरे को काफ़ी दिन हो गया राइड करे हुए, तो राइड करेंगे। और अभी फ़िलहाल कोई बाहर आया है मना कर रखा है ना, तू इधर उधर फेंकती है ना इसको, और ये बाहर डस्टबिन में नहीं मिली ना, तो फिर तू जानती है ना, पहले बता पेपर का क्या है, पेपर का क्या है पहले बता, 1 तारीख नहीं नहीं 1 तारीख कब की है, परसों संडे ना, अब आज क्या कर रही है अभी तू बैठ के, वो सामने क्या चल रहा है, कितनी देर पढ़ाई करी आज, सीरियसली बताना मेरे हिसाब से, तो पूछो नहीं ट्यूशन वाला आया बस उतनी देर पढ़ा, उसके अलावा मेरे हिसाब से तो नहीं पढ़ा, दिन में फ़ोन चला रही थी, चला नहीं चलाया था, अच्छा झूठ, यहाँ कौन खेल रहा था नीचे, मम्मी फ़ोन पे जब बात कर रही थी, जब मस्ती कौन कर रहा था, नहीं 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 झूठ है ना ऋषभ, है ना झूठ बोल रही है ना, ये है ना मोती है ना। तो दिया की आज अपन है ना हंसी मजाक वाली बात है, और है ना सीरियस बताओ ना, तो दिया से हंसी मजाक तो आप लोगों को पता है कितना चलता है, तो इसके इसको पता नहीं क्या हो रहा है, तेरी रोटी खाना तू, रोटी खा लग जाओ लग जाओ, आइसक्रीम खाने जाऊंगा मैं आज, अच्छो 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 बोल ले, तो तू रोटी तो खा, खाने दो हैं चीनी काय के लिए लगे, और ये इधर उधर है ना चुईंगम मिली ना, देख वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, बोल खराब कर दी ना तेरी सब्जी, तू दाल तो खराब कर दी ऋषभ, इसने मीठी दाल खा लेगा, तो भाई ऐसे कौन खाता है यार, तो भाई भाई ये तो पहली बार नया ट्रेंड देखा, मीठी दाल कौन खाता है भाई, हमारे ऋषभ मीठी दाल खा रहा है, और ये देखो भाई साहब इसकी वॉल्यूम है ना कम नहीं होती, सबकी वॉल्यूम कम हो जाएगी, इस टीवी की वॉल्यूम कम नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये किसका है, छोटे डॉन का टीवी है, और छोटा डॉन का हाँ भाई पढ़ ले ऋषभ, ये पढ़ती नहीं है ना, ये पढ़ती नहीं है ना, सही सही बताइयो, नहीं पढ़ती ना, मैं झूठ बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ ना, ये झूठ झूठ बोल रहा हूँ तो बता, और इसको टेंशन भी नहीं, इसका पेपर है परसों, वो भी मैं मस्ती कर रही है, दिन में फ़ोन देख रही थी मस्ती कर रही थी, कुछ भी क्या बोले, चलो ठीक है, तो मैं अभी जा रहा हूँ ऋषभ, इधर देख मैं जा रहा हूँ, हाँ चल रहा है, चलते हैं यार, हैं खाना खा लिया फिर चलेगा, पक्का पक्का ना, नहीं चलेगा फिर मैं जाऊँ, देख ले अभी भी तेरे को बोल रहा हूँ, फिर तो बाद में बोला है,
है ना। तो भाई अपन चलते हैं शेविंग करवा के आते हैं, मेरे को शेविंग करवानी है, मेरे को भी है ना थोड़े से बाल डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट एडजस्ट करवा के आते हैं और थोड़ा सा पंखा का भी थोड़ा सा इलाज करवा के आते हैं। तो अपन चलते हैं अभी और फटाफट चलकर ये करवा के आते हैं, रेडी रेडी मतलब सेटल डाउन करवा के आते हैं, क्योंकि कल मेरे को जाना है एक राइड और एक दो चीज़ें हैं तो वो काम करने हैं, उस चक्कर में आज शेविंग वेविंग करवा लेते हैं, कल चिकने होकर चलेंगे। तो अभी निकलते हैं क्योंकि फिर वो मेरे को पता है वहाँ भीड़ लगी हुई मिलेगी, इसलिए अपन अभी निकलते हैं और शेविंग करवा के आते हैं। तो इस समय रात को मैं और हनी, हनी भाई कैसी लगी है हमें? सही रिएक्शन है, सही रिएक्शन है, है? अजीब सा रिएक्शन है, खट्टी सी है। नहीं बाकी फ्लेवर तो अच्छा है, मतलब सीरियस में बताओ ना, मतलब जैसा एनर्जी ड्रिंक का होना चाहिए ना वैसा ही फ्लेवर है, ऐसा नहीं है, है? एनर्जी आ जाएगी अब वो तो पता नहीं, घर जाके पता चलेगा, है घर जाके पता चलेगा कैसा रिएक्शन है, बिना घर जाए तो पता नहीं चलेगा। भाई तू एनर्जी रखना बस, कहीं पता चले एनर्जी के अलावा कुछ और हो गया है, नहीं रेड बुल वाला ऐड आता है ना, कहीं तेरे पंख वंख आ जाएगा, तू कुछ उड़ने लग जाए, ऐसा मत करवाना, सही है ना। बाकी कैसा लगा फ्लेवर, सही सही बता, सही सही है, सही है ना। महंगे लोग आ रहे हैं, महंगे लोग आ रहे हैं, तभी मैंने ऑन कर दिया, मैं भाई आ रहा है और भाई कैलचर। चीयर। तो भाई हम ये पी रहे हैं कॉफ़ी और हम पी रहे हैं हमें, और बता काम वाम कैसा चल रहा है भाई? पूरी रात जगना है। क्यों? कॉफी तभी तो पी रहे। क्यों रात भर क्यों जगना भाई, कैसे क्या हो गया? बस ऐसे ही है। ऐसे तो क्या काम वाम, तो बता ऐसे यार, काम काम चल रहा है। क्या काम चला रखा है? ऐसे किचन का काम चल रहा है। किचन का काम चल रहा है। तो भाई ये वही आकाश है, हम दोनों आकाश ऐसे हैं, जब भी मिलते हैं ना हम रोड के ऊपर, हम दोनों एक दूसरे को खेलते हैं, और आकाश सेकंड आकाश फर्स्ट आकाश। तो भाई ये फर्स्ट है, मैं फर्स्ट, बट ये नहीं पता जो भी फर्स्ट है ना, ये बोलेगा ना भाई जो भी फर्स्ट है वो फर्स्ट डिसाइड करेंगे, डिसाइड डिसाइड करेंगे। अब बर्गर कब खिला रहा है तू, नई वैरायटी कब लेकर आ रहा है? बस कुछ दिन में। तो बस तो फिर मैं आ रहा हूँ कुछ दिनों में, और स्विगी पे और जोमेटो पे भी आ रहे हैं। अरे स्विगी और जोमेटो पे क्या बात है, फिर तो होम डिलीवरी अपने तो पास में, अपन तो आके खाएंगे और अपनी पसंद का बनवा के खाएंगे। चल मिलते हैं ना, ठीक है चल, ठीक है। दिखा जरा भाई, अन्नी में एनर्जी आ गई, अन्नी ने कैन मोड़ दिया भाई, इतनी एनर्जी आ गई तेरे में, एनर्जी एक कैन पिया तूने, एक कैन में इतनी एनर्जी भाई, पूरा उसने तो कैन ही पिचका दिया बुरी तरीके से, तो उसको डस्टबिन में क्रश करके आते हैं, क्रश तो आगे करेंगे डस्टबिन में, चल नहीं चल वहीं करेंगे आगे। चाबी तेरे पास ही है ना, देख गाड़ी में तो नहीं लग रही, मैंने भी नहीं निकाली यार, मेरे पास नहीं है, देख एक बार तेरे पास चेक कर। चल तेरी मेरे की चाबी जेब में रख के बोलता है, बोले चाबी खा गई है, चाबी की चपत लगा रहा था तू, मेरे चाबी की चपत लगा रहा था हैं। तो भैया ये मंदिर है हमारे यहाँ का है भाई, चपत लगा रहा था, चाबी की चपत लगा रहा था तू। तो अब चलते हैं हम घर पर, और घर पे मिलेंगे अब आपको, इसको अभी ये रास्ते में या तो मैं इसके घर जाऊँगा या ही मुझे रास्ते में उतारेगा, जो भी होगा देखते हैं आगे का सीन क्या रहता है। बाय बाय, मिलते हैं कल, बाय, मिलते हैं कल। तो भाई एक्चुअली क्या है, जब भी हन्नी और हम बाहर जाते हैं ना तो थोड़ा बहुत ब्लॉग में शूट करने की कोशिश करता हूँ, और मैं ज़्यादातर हन्नी के साथ ही ब्लॉग शूट करता हूँ और किसी के साथ शूट नहीं करता। तो अभी जो भी ब्लॉग शूट कर लिया कर लिया, अब घर चलते हैं और घर चल के ऋषा बोरो के साथ में ब्लॉग शूट करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं बाहर कभी भी ब्लॉग शूट नहीं करता ज़्यादा, तो आज से मैंने सोचा है कि अब डेली शाम को जब भी भाई हन्नी के साथ में या फिर किसी के साथ भी निकलूँगा तो थोड़ा बहुत बाहर भी ब्लॉग शूट करूँगा, जिससे क्या है जो मेरा एक तरीके से फूबिया कह सकते हैं ना, कि जो मैं अभी तक घर में ब्लॉग शूट कर रहा था, बाहर नहीं कर पा रहा था, तो उस फोबिया को धीरे धीरे करके मैं थोड़ा सा दूर करने की कोशिश में लग रहा हूँ। तो आप लोग देख रहे हो कि प्रीवियस दो तीन ब्लॉग में मैंने खूब ट्राई भी कराया है, बट हाँ फिर भी नहीं हो पा रहा, तो आज भी मैंने ट्राई करा है। तो अब ऐसे कंटिन्यूसली कोशिश करता रहूँगा बाहर भी ब्लॉग शूट करने की, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ब्लॉग बनाने की। तो जो भी यार कोशिश जारी रखेंगे तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। बाकी तो आज के ब्लॉग को एंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं ऐसे अच्छे से वीडियो में, कल तक के लिए बाय बाय। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, दिया ऋषभ अभी अंदर है, अभी उनको नहीं बुलाते, कि यार अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो ना तभी, मतलब
वीडियो अच्छे लग रहे हो ना, तो अगर उनमें कुछ भी आपको गलत लग रहा हो या फिर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही हो, तो पीछे नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि ये चीज़ अच्छी नहीं आ रही या फिर ये चीज़ सही है, अपन उसको सही करने की कोशिश करेंगे। बाकी तो मिलते हैं कल, कल तक के लिए बाय। वीडियो अच्छा लग रहा है तो पता ही होगा क्या करना है। मिलते हैं कल, बाय बाय।